एवरीवन वेलकम टू झलक विद आइडियाज़। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पालना डेकोरेशन का आइडिया। तो देखिए, अगर आपके घर में बेबी है और नेमिंग सेरेमनी है तो आप इस तरीके से पालना डेकोरेट कर सकते हैं। घर में भी कुछ DIY करके डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से पालना के डिज़ाइन का मतलब डेकोरेशन का मैंने शेयर किया है पिक्चर, जो कि आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि आप अपने बेबी के सेरेमनी फंक्शन में किस तरीके से डेकोरेट करवाएँ या करेंगे। तो इस तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं कुछ DIY करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे डेकोरेशन आइडियाज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आजकल तो देखिए, ये सब ट्रेंड काफ़ी ट्रेंड में रहता है ना, बेबी का नेमिंग सेरेमनी, और फिर जब बेबी को फर्स्ट टाइम कुछ खिलाया जाता है तो उसका भी सेरेमनी करवाते हैं। तो ये सब चीज़ होता है। तो आप इस तरीके से डेकोरेशन करके अपने जो फंक्शन को थोड़ा और खूबसूरत बना सकते हैं और यादगार बना सकते हैं। और मतलब होता है ना, लाइफ टाइम देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप पालना को डेकोरेट कर सकते हैं, और उसका जो बैकड्रॉप है पीछे का, वो भी आप बैकग्राउंड को भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे से आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो से आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगा हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के आइडियाज़, DIY और डिज़ाइन डेकोरेशन के आइडियाज़, ये सब मैं अपने चैनल पे हमेशा डालती रहती हूँ।